ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीयू हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस की मांग को लेकर एबीवीपी ने सीयू के धर्मशाला कैंपस में ताला जड़कर कक्षाओं का बहिष्कार किया। इस दौरान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमारा आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक सीयू प्रशासन की ओर से किसी ने उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई है। सीयू हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस की मांग को लेकर एबीवीपी ने सीयू के धर्मशाला कैंपस में ताला जड़कर कक्षाओं का बहिष्कार किया। इस दौरान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमारा आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक सीयू प्रशासन की ओर से किसी ने उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई है। सरकार भी इस मामले पर मौन बनी हुई है। स्थायी कैंपस निर्माण को लेकर सरकार ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि कब तक स्थायी कैंपस निर्माण होगा। एबीवीपी ने सरकार को चेताया है कि यदि अति शीघ्र उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि सीयू हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट मूलभूत सुविधाओं की कमी में पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। 1500 के लगभग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का काम सीयू प्रशासन कर रहा है। 11 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक स्थायी सीयू कैंपस निर्माण की दिशा में कुछ नहीं हुआ है। लोकसभा चुनावों से पहले केंद्रीय एचआरडी मंत्री ने शिलान्यास की जुमलेबाजी करते हुए वोट बैंक की राजनीति की। देश भर में सीयू के दो दो कैंपस स्थापित हो चुके हैं, जबकि हिमाचल में स्कूल से भी बदतर हालत बने हुए हैं। देखिए किस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्र आज अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज 1500 के करीब यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं और उन लोगों का भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का कौन काम कर रहा है? तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ ये राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भी इतनी जिम्मेदार है। किस प्रकार से 11 साल होने को आए और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर अभी तक स्थायी निर्माण को लेकर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है। अभी तक स्थायी निर्माण की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर 8 महीने पहले लोकसभा चुनावों से पहले यहाँ आते हैं और शिलान्यास का जुमला यहाँ पर करते हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए शिलान्यास करने यहाँ आते हैं, लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि एक भी ईंट का पत्थर इस विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर को लेकर नहीं रखा जाता है। आज छात्र किस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, ये आज उन लोगों को जानने की आवश्यकता है। आज किस प्रकार से हजारों रुपये का लूटपाट यहाँ पर की जा रही है, इतनी ज़्यादा फीस यहाँ ली जा रही है और उसके नाम पर क्या सुख सुविधाएं यहाँ दी जा रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न आज पूरे प्रदेश में है। पूरे देश में हम देखते हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जहाँ दो दो कैंपसेस भी जहाँ एस्टेब्लिश हो चुके हैं, अच्छी तरह से वेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 4 जगह कैंपसेस चलाए जा रहे हैं और स्कूल से भी बदतर हालात जो है इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के आज बने हुए हैं, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद ये लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई तक हम विद्यार्थी परिषद पहुंचाएगी। बहुत हुई इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति, अब विद्यार्थी परिषद इस लड़ाई को आगे लड़ेगी जिस तरह से पहले भी विद्यार्थी परिषद लड़ती आई है। इस लड़ाई को, इस मांग को सॉल्यूशन तक पहुंचाएगी और स्थायी परिसर का जब तक काम शुरू नहीं होता है तब तक विद्यार्थी परिषद अपने इस आंदोलन को जारी रखेगी। शिक्षा का बहिष्कार कब तक जारी रहेगा? देखिए शिक्षा का बहिष्कार आज के दिन यूनिवर्सिटी में शिक्षा का कक्षाओं का बहिष्कार हुआ है और आने वाले समय में अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, अगर मूलभूत सुविधाओं को यहाँ नहीं प्रोवाइड किया जाता है और स्थायी परिसर को लेकर क्या स्थिति है, क्या वास्तविक रूप में स्थिति है, 70-30 की वहाँ बात हो रही है लेकिन वास्तविक रूप में है क्या, इसको जब तक सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जब तक सकारात्मक कदम प्रशासन और सरकारें नहीं उठाती हैं, तब तक विद्यार्थी परिषद जो है आने वाले समय में ऐसे आंदोलनों को रूप देती रहेगी।